हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको मार्केटिंग करना है या नहीं करना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सीरीज़ कंटिन्यू होने वाली है हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हो तो अपने नोट्स भी बना लेना, ठीक है। ऐसे वीडियोज़ बहुत कम है यूट्यूब पे, सो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा फॉर श्योर। तो आज हम बात करेंगे मार्केटिंग प्रोफाइल्स की, कि एमबीए के बाद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन अगर आपने लिया है तो कौन से जॉब्स होते हैं। करेक्ट, देर इज़ नो पीपीटी, इट्स अ सिंपल वीडियो जहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट्स मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेते हैं उनको ऐसा लगता है कि मार्केटिंग के बाद सेल्स प्रोफाइल सबसे ज़्यादा आएगी, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन एमबीए कॉलेज, अगर आप अच्छे एमबीए कॉलेज में हो तो बहुत अलग अलग प्रोफाइल्स आती है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन जनरल प्रोफाइल्स कौन से आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स तो होता ही है, बिकॉज विदाउट सेल्स कंपनी फंक्शन नहीं कर सकती, तो सेल्स की प्रोफाइल तो आएगी ही आएगी, एंड अच्छा खासा पैसा भी देती है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है। देन मार्केटिंग रिलेटेड जॉब होता है जिसमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी आ जाता है, बहुत बड़ा डोमेन है मार्केटिंग इटसेल्फ। देन उसके बाद रिसर्च है जहाँ पे नीलसन जैसे कंपनीज रिक्रूट करती है, ब्रांडिंग, देन ब्रांड मैनेजमेंट एक ही है, कभी ब्रांडिंग बोल लो कभी ब्रांड मैनेजमेंट बोल लो, जो पोजिशन होगी वो ब्रांड मैनेजर की होगी। कंप्लायंस इश्यूज होते हैं वो सॉर्ट करने होते हैं, ये प्रोफाइल फाइनेंस में भी होती है कंप्लायंस की, ठीक है। देन कंसल्टिंग, कंसल्टिंग तो ऐसी है कि मतलब बहुत ही जेनेरिक प्रोफाइल है एंड इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन का बंदा चल जाता है। मीडिया प्लानिंग, मीडिया प्लानिंग का एक सिंपल डेफिनेशन नहीं, मैं आपको समझा ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इन्वेंट्री है, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है, आपके यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस है, जैसे ये साइड बार है, नीचे यहाँ पे स्पेस है, या फिर ये जो आर्टिकल है इसके बीच में स्पेस है, आपको यहाँ पे एड लगानी है, ठीक है, तो इसके ना कॉस्ट होते हैं। सो मीडिया प्लानिंग करनी होती है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एज वेल एज कॉस्टिंग, तो एक बड़ा डोमेन है, वो अलग ही डोमेन है जिसमें आरओआई भी बहुत मैटर करता है ना। सो आप हॉटस्टार या कोई भी ओटीटी पे भी बहुत सारे एड्स देखते हो, करेक्ट, तो बहुत सारी मीडिया प्लानिंग होती है बैकएंड पे, ये डिजिटल नहीं ऑफलाइन भी होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पे हो गया या फिर जो बैनर्स आप देखते हो बाहर स्ट्रीट्स पे, है ना। सो बहुत बड़ा डोमेन है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यस, प्रोडक्ट मैनेजर एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के डेट में जाना चाहते हैं। टेक प्लस जो मार्केटिंग स्किल्स है दोनों यू नो बैलेंस आउट हो जाती है, अच्छा डोमेन है लॉन्ग टर्म करियर के लिए भी। एनालिस्ट, इन बहुत ही जेनेरिक प्रोफाइल अगेन। अकाउंट मैनेजमेंट, की अकाउंट्स मैनेजर आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे यू नो प्रोफाइल्स है अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड। अकाउंट को एकदम वर्ड टू वर्ड मीनिंग से मत लेना, इट इज़ नॉट दैट अकाउंट के आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, अकाउंट की अकाउंट मैनेजमेंट करके एक पोजीशन है जो आपको आगे जाके अगर आप सेल्स में जाते हो तो ज़्यादा देखने मिलेगी, ठीक है। तो जेनेरिक प्रोफाइल कौन सी है, जैसे सेल्स में अगर आप जाते हो तो सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स ऑफिसर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, तो सेल्स मैनेजर तो बाद में जब आपके पास टीम आ जाती है बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव की, यहाँ पे आपको हार्डकोर सेल्स ही करना है, ठीक है। सेल्स इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, इंसेंटिव ड्रिवन प्रोफाइल है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, अगेन ये ना सेल्स भी है लेकिन ना मार्केट में ग्रो भी करना है, तो थोड़ा सा एक लेवल अप प्रोफाइल है सेल्स एग्जीक्यूटिव से अगर आप यू नो कंपेयर करोगे। लेकिन हाँ, सेल्स प्राइमरी है, वो करना ही है, लेकिन आपको ओवरऑल धंधा भी बढ़ाना है आगे जाके, आपको एरियाज बढ़ाने हैं जहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ब्रांड मैनेजर, वो तो मतलब एक बेसिक यू नो ब्रांडिंग और मार्केटिंग बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, ब्रांड मैनेजर का जॉब बहुत ही अलग है। हाँ, सैलरीज बहुत अच्छी खासी है व्हेन इट कम्स टू ब्रांड मैनेजर, बट ये प्रोफाइल्स यू नो अच्छे कॉलेजेस में ही मिलती है। आप टीयर थ्री टीयर फोर एमबीए कॉलेजेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ब्रांड मैनेजर की यू नो पोजिशन। मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया प्लानर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, मीडिया प्लानर, सॉरी ये दो बार रिपीट हुआ है, मैं निकाल दूंगा, नो वरीज। मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, एसईओ, हाँ अभी डिजिटल मार्केटिंग एंथुजियास्ट या फिर जिनको इंटरेस्ट है एसईओ एसईएम में, ये अगर फर्स्ट हैंड किया तो बेटर है, जैसे ये एक वेबसाइट है, आई नो व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स। कंटेंट राइटर, यूजर एक्सपीरियंस मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एसईओ ऑप्टिमाइजर, बहुत सारी पोस्ट होती है डिजिटल मार्केटिंग में, ये तो सिर्फ गिनी चुनी है। तो ये एक ऐसा डोमेन है, अगर आप निकल जाते हो अंदर तो डेफिनेटली स्टार्टिंग सैलरीज कम होती है, बट ओवर द टाइम
सैलरीज बढ़ती है, आप खुद का भी स्टार्ट कर सकते हो। सो आप एजेंसी साइड काम कर लो या फिर आप कंपनी में काम कर लो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। तो अभी ये सब प्रोफाइल्स में जानने लायक चीज़ क्या है, अगर आपका MBA नहीं हुआ है तो ये सब प्रोफाइल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट इज फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये एग्जैक्टली होता क्या है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ना, अगर आपको कोई भी प्रोफाइल में आपको क्या काम करना होता है वो जानना है, तो लिंक्डइन का यूज कर लो या फिर Naukri.com का यूज कर लो। यहाँ पे मार्केटिंग जॉब्स इन जनरल सर्च करो, आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब है। ठीक है, तो समझो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर जॉब रोल दिया है इसका मीनिंग क्या है। जॉब रोल जब ऐसा डिस्क्रिप्टिव दिया होता है तो समझ जाते हैं कि क्या करना होता है, पता चल जाता है कि हमें ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग कि ना, आप कौन से इंडस्ट्री में जाते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आप नहीं पूछते हो। फॉर एग्जाम्पल, फार्मा इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट नहीं है, दो ये पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है या फिर आप एलिजिबल हो, ऐसे केस में आप अप्लाई नहीं करोगे। करेक्ट, सो दैट इज वॉट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो ये जब भी आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे Naukri.com पे या लिंक्डइन पे, तो आपको ना आइडिया मिल जाएगी एग्जैक्टली कि ये प्रोफाइल की डिमांड क्या है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स आपको मिल जाएगी। देखो, ब्रांड एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, सीनियर ब्रांड एग्जीक्यूटिव। देन आप जॉब फिल्टर भी कर सकते हो सैलरी रेंज के हिसाब से। 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 10 लाख के आसपास सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली मोर। लेकिन आपका इंस्टीट्यूट नेम भी मैटर करता है, कौन से MBA कॉलेज से आप पास आउट हो। अगेन, मार्केटिंग वाले बंदे अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है 3 ईयर्स 4 ईयर्स, तो रिक्रूटमेंट में भी जा सकते हैं, मतलब मार्केटिंग बंदों के रिक्रूटमेंट में भी जा सकते हैं, या फिर ये जॉब प्रोफाइल का पार्ट होता है कुछ जगहों पे। ठीक है, कुछ जॉब प्रोफाइल्स ऐसी होती है जहाँ पे ये पर्टिकुलर काम आपको करना ही होता है। करेक्ट, सो मैंने आपको दो चीज़ें बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडली कि मार्केटिंग प्रोफाइल्स क्या होती है, कहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, ये कुछ पोजीशंस है। एंड देन सेकंड एक्सरसाइज की, अगर आपको समझना है कि कोई भी प्रोफाइल में क्या करना होता है तो यहाँ से आपको जानना है। नाउ द थर्ड थिंग इज कि इन केस यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन एवरी जॉब प्रोफाइल, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि कुछ वीडियोज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो देख लेना, जहाँ पे मैंने ऐसे वेबसाइट पे जाके पूरा एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया है कि जॉब रोल क्या होता है, उसमें आपको क्या करना होता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको बाकी जो जॉब प्रोफाइल से फाइनेंस होगा, HR हो गया, तो ये जो आर्टिकल है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप ये आर्टिकल भी पढ़ो, तो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज आएगा। सबसे पहले नॉलेज इंपॉर्टेंट है, फिर आप इंटर्नशिप में आपको पता चल ही जाता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से डोमेन में है। फाइन, अगर नहीं भी पता चलता तो एक दो इंटर्नशिप और कर लो अलग अलग डोमेन्स में। अगर डिजिटल में की तो सेल्स में कर लो, सेल्स में की तो रिसर्च में कर लो, है ना। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपके काम आया होगा। एंड इफ यस, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।